तो मेरा यही कहना है कि आप हार मत मानिए, अगर आप सही ढंग से काम करेंगे YouTube पे तो आपको जरूर सफलता हासिल हो सकती है। दूसरे की गुलामी करने से अच्छा YouTube पार्टनर बन जाइए, YouTube खुद आपको मालिक बना देता है। वो एक चैनल नहीं चला तो दूसरा खोलिए, तीसरा खोलिए, चौथा खोलिए, किसी ना किसी चैनल से आपको सफलता जरूर मिलती है। तो आपका दोस्त और आपके चैनल का होस्ट महेंद्र मनोहर, और आज मैं बात करूंगा मेरे YouTube के फर्स्ट पेमेंट के बारे में। फर्स्ट पेमेंट कितने दिन बाद आया, फर्स्ट पेमेंट मुझे कितना मिला, और मेरे YouTube के थोड़ा जर्नी सफ़र के बारे में भी थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जर्नी सफ़र किस प्रकार से हुआ था, कब कितने दिन बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, और YouTube का पिन फिर कितने दिन बाद आया, उसके लिए कितना डॉलर करना पड़ता है, ये सारी ए टू जेड जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप लोग न्यू यूट्यूबर हो, न्यू क्रिएटर हो, तो आपके लिए ये मेरी जो YouTube की जर्नी, फर्स्ट पेमेंट तक की जो जर्नी है वो शायद काम में आ सकती है। तो आप मेरे इस वीडियो को जो है पूरा देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। एक साल पहले मैंने YouTube पे जो है काम करना शुरू कर दिया था। काम क्या मतलब है, ऐसी मजाक में मैं कुछ छोटे छोटे क्रिएटरों के वीडियो देखता था, वो सक्सेस होते थे तो मैंने भी सोचा है कि चलो भाई थोड़ा सा पार्ट टाइम ही सही, फुल टाइम तो मैंने कभी YouTube में काम नहीं किया है, पार्ट टाइम ही गई ज़रा YouTube से मैंने शुरुआत की। और इसलिए किया कि चलो भाई YouTube में एक अपन जैसे फ़ोटो सेव करते हैं, वीडियो सेव करते हैं, उस प्रकार के फ़ोटो और वीडियो भी सेव करेंगे हम YouTube में तो वो कभी गायब नहीं होते जब तक अपना YouTube चैनल जो है डिलीट नहीं होता है। तो उसी अंदाज से मैंने YouTube चैनल का शुरुआत किया था। फिर धीरे धीरे क्या होने लगी, मेरे थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ने लगे और मेरे वीडियो भी कुछ कुछ थोड़े अच्छे चलने लगे। ज़्यादा अच्छे नहीं बोलूँगा, 100 व्यू भी आए तो मुझे बहुत खुशी हो जाती कि चलो भाई अपना वीडियो जो है कम से कम 100 तो पार कर दिया। ऐसे करते करते 5-6 महीने के बाद में मेरे कुछ वीडियो वायरल हो गए तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। तो मोनेटाइज तो हो गया था, फिर बाद में ये दिक्कत था कि भाई अभी $10 बनाने हैं तब पिन आता है, तो $10 मेरे जल्दी ही बन गए थे, ऐसी कोई मुझे दिक्कत वाला सामना नहीं पड़ा था। बीच बीच में तो मैंने YouTube में जो है काम करना ही छोड़ दिया था, मतलब जब खाली टाइम रहेगा तभी भाई मैं YouTube में काम करूँगा ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन देखो मजाक की जो बात है, मतलब बोलते हैं ना कि जब बिंदास होके आदमी काम करता है, फ्री होके काम करता है, मजाक ही जो है पैसे का जरिया बन जाता है। तो उसी टाइप मेरा ही हो गया, आदमी $10 बन गए, पिन आ गया, पिन आने के बाद वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के बाद में उसमें जो है भैया अपने को जरा बैंक डिटेल भरना पड़ता है, स्विफ्ट कोड है वो भरना पड़ता है, और ऐसे होते होते फिर और 6-7 महीने मुझे लग गए तो $100 बन गए। $100 बनने के बाद में एडसन में होने के लिए और एक महीना मुझे लगा, और आखिरकार जो है एडसन में भी मेरे जो है भैया $100 पूरे हो गए। और जब 21 तारीख आ गई तो 21 तारीख को जो है YouTube की तरफ से ईमेल आया कि आपका जो पेमेंट है वो भैया हमने रिलीज कर दिया। अब ये दिक्कत थी कि 21 तारीख के बाद में, 21 तारीख को तो मुझे मेल आया तो मुझे लगा मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन आए नहीं। फिर मैंने कुछ वीडियो जो है उसके रिलेटेड जो है देखे कि भाई 21 को आता है तो पेमेंट कब आता है, तो कुछ बोल रहा था कि भाई पहली बार जो पेमेंट मतलब आने का रहता है तो हमको बैंक में जाना पड़ता है, बैंक वाले की स्विफ्ट अकाउंट में आता है, ये दुनिया भर की बातें जो क्रिएटर थे YouTube क्रिएटर वो अपने वीडियो के जरिए जो है बता रहे थे। तो कुछ कुछ क्रिएटर बोले थोड़ा सा हमको जो है 10-15 दिन वेट करना पड़ता है या नहीं तो फिर बैंक में जाओ भाई। लेकिन मैं सच में बोलूँ, अगर आपने जब आपको पिन आता है और पिन आने के बाद में अगर सही मायने में आपने अपना अकाउंट नंबर और जो बैंक आपका है अगर उस बैंक का आपने स्विफ्ट कोड भर दिया
तो आपको कोई बैंक में जाने की जरूरत नहीं है भैया। 21 तारीख को मेल आता है, अगर 21 तारीख को आपको शनिवार या रविवार आ जाता है तो आपको और एक दो दिन रुकना है, सोमवार या मंगलवार को, मतलब 21 और 25 तारीख 5-6 दिन के अंदर में आपके अकाउंट में जो है डायरेक्ट मैसेज आ जाता है कि भाई आपके अकाउंट में इतना इतना पैसा आया है, और जो इंटरनेशनल चार्ज जो है वो भी थोड़ा फार वो काट लेता है, और काट के ही आपको हाथ में मतलब आपके अकाउंट में वो पैसा आ जाता है। तो कहने का ये मतलब है पिन आने के बाद में अगर आपने वो डाटा सही भरा, मतलब अपना अकाउंट नंबर और जो बैंक है, मानो आपका SBI है तो SBI का स्विफ्ट कोड आसानी से गूगल में सर्च करेंगे तो स्विफ्ट कोड भी आपको आसानी से मिल जाता है। वो अगर आपने अच्छे से उसमें फिलअप किया तो ऑटोमेटिकली पैसा जो है आपके अकाउंट में आ जाता है। पैसा आने के बाद में मुझे थोड़ा खुशी हुआ कि चलो भाई एक साल में कम से कम एक पेमेंट तो मैं ले सका हूँ। तो मेरा यही कहना है कि आप हार मत मानिए, अगर आप सही ढंग से काम करेंगे YouTube पे तो आपको जरूर सफलता हासिल हो सकती है। दूसरे की गुलामी करने से अच्छा YouTube पार्टनर बन जाइए, YouTube खुद आपको मालिक बना देता है। वो एक चैनल नहीं चला तो दूसरा खोलिए, तीसरा खोलिए, चौथा खोलिए, किसी ना किसी चैनल से आपको सफलता जरूर मिलती है। तो इसी के साथ मैं ये व्लॉग यही ख़त्म करना चाहूँगा। अगर ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे इस छोटे से चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।